गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं उठ चुकी हूँ ऑलरेडी, मैंने नहा धो भी लिया है, मैंने तैयार भी हो गई हूँ। मम्मा, बेबी पप्पू क्या कर रही हो? काम कर रही हो? डिनर बेबी आ पप्पी गया चिल्ला रही थी बेबी पप्पू के कपड़े जो पहन लिए क्योंकि है सारे कपड़े हम अपने घर वालों के ही ना। चुरा चुरा के पहनते हैं। तो गाइस, मैं ये सुबह का व्लॉग है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे जाना है ऑफिस किसी काम से। सो यस, मैं आके फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज, हम तो घर आ चुके हैं लेकिन घर में कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली है घर। मैं वापस से गई थी चाबी लेने के लिए, रास्ते से अभी निकल के आई, मैं आज जल्दी आ गई, कोई भी है नहीं घर में। चलो खैर, हम आ गए हैं, मैंने किचन खोल दिया है, बस खाली ये खोलना है। तो कैसे खोलना है, मैं आ गई हूँ अंदर। सुनाओ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, यू नो। अच्छा वैसे घर में अगर बड़े ना हो तो फिर कैसा लगता है ना, अजीब सा घर, कोई रौनक ही नहीं रहती। लाइट जलने के बावजूद भी, पुताई होने के बावजूद भी, सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर घर में बड़ा ना हो तो ज़िंदगी अधूरी लगती है। और हर जगह तो मुझे खाली भूत ही भूत नज़र आते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सामने मस्जिद है। सो यस, मैं कि मैं ना मेहंदी लगा लूँ अपने, तो हमने देखिए बेबी पप्पू की लिपस्टिक लगाई है, काफ़ी डार्क है ये। कौन आया अम्मा? हाँ दोबारा हाँ अब कौन आया है? तो बेबी पप्पू की लिपस्टिक लगाई है मैंने, देखिए कितनी डार्क लिपस्टिक ये आई है मेरे चेहरे पे। लेकिन ना ये इतना प्यारा कलर है ना यार, मुझे ना इस कलर से ही प्यार हो गया। मतलब कुछ भी हो लेकिन लिपस्टिक तो मुंह पर लगी होनी चाहिए, बस मेरा तो यही है। चलिए, बाकी मेरा ये खाना आ गया है तो अब हम खाना खाते हैं। क्या कर रही है अम्मा? देखो अम्मा, इधर सबको हेलो बोलो। हेलो, चावल बिजी है ना, इसलिए ठीक से ज्यादा बोल नहीं पाया, अच्छे से नहीं बोल पाया। चलो फटाक से हम हाथ धुल लेते हैं, भूख लग रही थी भाई। चावल ले जाओ चावल, और देखती हूँ कि खाने में क्या है। आज खाने में आलू गोभी है, चावल है, और ये क्या है, क्या चीज़ है अम्मा, ये क्या है, ना। किस चीज़ की? अरे पता नहीं किस चीज़ की नहारी है। बाकी ये मेरी बेबी फुप्पी ने रोटी इसमें बना के रखी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रोटी बेबी पप्पू की काफ़ी बड़ी होती है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है गाइस, सीरियसली। तो चलो खाना खाते हैं। तो चलिए हम फटाक से खाना खा लेते हैं ना, बहुत तेज़ी से भूख लग रही है। और मैं ना अपने किसी फ्रेंड के कॉल आने का वेट कर रही हूँ, वो कॉल ही नहीं कर रही है यार। नऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पता है मैं दिन में जब जा रही थी ना, मेरा खाना खाने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था लेकिन मेरे पास समय ही नहीं था। चलो मैं खाना खा लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। मेरे से ना खाते खाते भी नहीं रुका जा रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है ले लेती हूँ। मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी, मैंने उससे बात करी, इसके बाद ही फिर मैंने सोचा कि अब खा लेती हूँ। अम्मा तुमने नहीं खाया खाना? अभी खाने नमाज पढ़ रहे थे, थोड़ा बैठ तो बंद करो। ये देखो मैंने फ्रॉक पहन ली। ए इतरो कहीं फाड़ना हो गया ना, इतरो मुझे ऊपर अच्छी भी लग रही है ना। हाँ ये लाए थे मार्केट से, देखे जरा शीशे। हाँ ये इतनी ऊंची फराक अच्छी लगती है, इतनी मेरी नहीं है। हाँ मेरे सीने पर से टाइट है। हाँ मुन्नी मुन्नी तो मोटापा तुम्हारा चढ़ रहा है, वो मेरा मोटापा चढ़ रहा है। हाँ खाना देखिए गाइस कैसा लग रहा है, देखो पीछे देखिए, ये बटुआ के चक्कर में थे, इसमें मोटे कितने दिख रहे हैं। ये बटुआ का हमार बटुआ में मार जितना मत, ये अलग है देखो, बिल्कुल अलग कलर है देखो, कहां से गोल्ड भी तो है। नहीं अच्छा दिवाली वाले दिन ये पहन लेंगे। अरे दिवाली को अच्छा मुझे ये बता तुम, इधर क्या हो ये बटुआ, इसमें हम डिजाइनर है नहीं, तो बताओ तुम बैठ कर ना बटुआ। नहीं
कहाँ मैच कर रहा है? अरे नहीं सब मगर तो इतना कोई नहीं दिख रहा है अभी खुद ही कर ही ये फ्रॉक अच्छी लग रही है। आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट करिएगा। और क्या दिखा देंगे। और अच्छा फिरोजिया वाला भी तो देखो ये बिल्ली ये देख इसमें पट्टा भी है फिरोजी। हाँ ये बेबी तो बिल्कुल वैसे आ जाते हैं। अरे ये तो बहुत भारी है पहन पाएंगे ये तो अम्मा सुनो इधर अम्मा ए माँ ये तो और ज्यादा पतली है ये मेरे नहीं आ पाएगी ये चीज यहाँ से बहुत पतली है देखो ये ले और मुन्नी मोटी हो रही ये नहीं मेरा ये नहीं पड़ता है दिक्कत मेरे ये दिक्कत हो जाती है। हाँ भैया ये भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ भैया लो इसको खोलो पीछे उलझा इसी में मेरा दिल इतना था अपने कपड़े तो बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह सही से उधर क्यों कूड़े की तरह डाल दीजिए ला दे दो सही करे मुन्नी का ज्यादा दिमाग खराब हो रही है मुन्नी मुन्ना है मुन्ना ये को सा ऐसे उलझा दिया ऐसे अपन मुझे रख दिया ये हटाओ ये काहे के लिए रखे क्या कहाँ है बेपू माशी दिखाओ मार। अरे भाई तू खाने पड़ा रहा है किसका आ रहा है अभी जाएंगे इतनी रात में 12 बज रहे हम नहीं जा रहे अभी रुक जाओ माशी वाला दिखाओ मार। मासी और काशी बेपू का तो हाथ ही नहीं चलता है जल्दी ये पहने की क्या बेकार है इसको निकालना क्या नहीं आएगा इसके यहाँ कौन सा हमें मालूम नहीं आएगा ये खोलो 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 देखे नहीं खोलो वोलो नहीं सही है मासी की बात लाओ दे दो लाओ दे दो लाओ दे दो लाओ दे दो ये है क्या देखे अरे भाई तो प्लाजो ये सॉफ्ट है ये ऐसे कपड़े हम पहनते हैं अम्मा। हाँ वो अभी मालूम है जरा देर ये अच्छे पहनती ना अभी देखने अम्मा ये इसको पीला करो देखे नहीं हम कल पहन लेंगे नहीं कर रहे हैं तो नहीं हमने अम्मा अम्मा कह दो ए अम्मा अम्मा कह दो अम्मा ऐसे तो ला करवाएगी ना कुछ ना सब निकल रहा है अभी खराब हो जाएगा ना होने दो खराब हमको दे दो तुम अब ये कल पहन रहे ठीक है हम नहीं सत्या ना बेटो तुम अम्मा बेपू देखो पहनने नहीं दे रही है तुम चमक ऑफिस में थोड़े ए अम्मा पहनेंगे इसको हम जा रहे कल पहनेंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा पहन के चले जाएंगे दिवाली वाले दिन पहनना दिवाली वाले अब दिवाली कलर का दिवाली वाले दिन थोड़ी ना पहनेंगे अम्मा देखो मैं मांग ले नहीं हम पहनेंगे देख लेना मैं बहुत सारा दर्द हुए उधर आपा धोती है वो ज्यादा सही तुम्हारे कपड़े नहीं हमको धोना पड़ते पता है आपा के हाथ के हमें भी धुले नहीं सब इनसे ज्यादा तो अच्छा काम धुलते हैं कह रही आपा के हाथ के हमें धुले नहीं अच्छे लगते ऐसा पहन के निकलेंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा पता चलेगा बेटा नहीं मेरे पास एक कपड़े नहीं है अच्छे से कपड़े तो बर्बाद कर दिए पहले सब तुमने पहले ला लो ये चमक धमक तुमको नहीं अब दिख रहा है नहीं हमको नहीं ये चमक ये सब हल्के कपड़े हैं हल्के पहनते हैं भारी नहीं पहनते जैसे ये है वो तो फ्रॉक है उसमें भी भारी है ऐसे तो दब जाएगी साइड में लगाओ तो ऐसे साइड में लगाओ क्या साइड में लगाओ इधर लगाओ अपनी चीज बड़ी खुद बैठ गई अम्मा बन के खुद ही रख लो फिर पेपू माछी आला तुमने निकाला नहीं आए अब इसमें 28 के दिनों कपड़े हैं तुम्हारे छटाई करो जो आ रहे वो रखो तो उसको किसी को वाटर मार के ये भी दे दो
जो कपड़े आ रहे वो पहनो, तुमने सब गरारे सब शरारे सब पहना नहीं तो सब के ऊपर वाला जो है वो हम पहन के कर जाएंगे। लो बांधो भैया, जो ब्राउन कलर का। चलो भैया बेबी पुप्पी का काम खत्म। भले चलिए गाइस, बेबी पुप्पू ने बंद कर लिया और हम लोग तो ऐसे ही लड़ाई करते हैं हमेशा। नेट का वाइट वाला अपना नहीं, वो भी नहीं पहनेंगे, वो पता है साठन का है, बहुत ज्यादा उसमें गर्मी लगती है, तो हम लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं हमेशा। मुंह देख कहते बनाए, ओए ओए ओए, और जल बिल्ली बुढ़ी लग रही बिल्ली देखिए ये लग रहा है ना क्या हो गया। अल्लाह ये क्या हो गया तुम्हारे, किसी किसी के हो जाता है ये, डंडे लाठी से चले हैं पैर, जितना ये अपनी घिसाई करती है होता नहीं इनके सब हो जाता है। साढ़े 12 बज रहे हैं रात के और अभी तक के सोए नहीं हैं। तो गाइस यहीं पे हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं और हम लोग ऐसे ही लड़ा करते हैं, तो उसके लिए माइंड मत करिएगा, हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक खेल हंसी ठट्टे में रहते हैं। सो बेबी फुप्पी मुंबई से आई हैं, इस वजह से वो अपनी अटैची का सामान दिखा रही थी, और मेरी बचपन से आदत है कि इनके सारे कपड़े मैं छीन लेती हूँ, बस यही है और कुछ भी नहीं है, बचपन से मेरा यही काम है, मैं इनके सारे कपड़े बचपन से छीनती हूँ, इनकी चीज़ें चुरा लेती हूँ। तो उनका आज भी अभी भी मैंने यही कपड़ा इन्हीं का पहन के रखा है और खुद की शलवार पहनी है, तो बोल रही है कि इसको कॉम्बिनेशन लगाना नहीं आता ये, अरे मैंने सोचा इनकी शलवार ना पहनूं अपनी पहन लेती, तो ये सब हमारे बीच चलता ही रहता है, हम लोग ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं। देखो मैं गुस्सा भी हो रही थी लेकिन फिर इसके बाद मैंने इनसे ले भी लिया और नहीं भी लिया, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, कॉमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से हमारे लाइव अपडेट्स देखते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।